हाँ तो बच्चा जी, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और चलिए वीडियो में देखते हैं क्या है। ये जो है आपका वीडियो है आज का, समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, जिसका दीर्घ उत्तरीय का जो है प्रश्न संख्या 2 है, यानी कि 2 है ना। करा नई आर्थिक नीति क्या है। आप लोग किताब से क्वेश्चन मिला लीजिए, ठीक है। तो इसको जो है ऐसे कर लेते हैं, नहीं निकला रे, हाँ अब निकल गया। चलिए, करा नई आर्थिक नीति क्या है ना, तो देख लेते हैं। देखिए, नई का मतलब क्या होता है बुआ? नई का मतलब होता है एकदम नया ना, क्या नया। आर्थिक के मतलब जो आर्थिक, जो रुपया पैसा से जुड़ा हुआ जो नियम रहता है ना, उसी को आर्थिक नीति कहा जाता है। नीति मतलब क्या? नियम। आर्थिक मतलब जो रुपया पैसा से जुड़ा हुआ रहे, ठीक है। तो यही हुआ नई का, जो है रुपया पैसा से जुड़ा हुआ नियम है। चलिए आगे देख लेते हैं। कर लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया गया था। यानी कि लेनिन के द्वारा जो है क्या हुआ बुआ, जो नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया? 1921। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, जो लेनिन द्वारा जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1921। आगे देख लेते हैं, जिसमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल है। अब इसमें जो है निम्नलिखित बातें शामिल है, कौन कौन सी बात शामिल है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक नंबर का जो बात है इधर आपका, करा किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया था। यानी कि अब क्या किया नई आर्थिक नीति में, कहा किसान लोग को कहा कि देखिए आप लोग जो है अनाज नहीं दीजिए, टैक्स के बदला में आप लोग अनाज नहीं दीजिए, निश्चित जो है टैक्स दे दीजिए, ठीक है। यानी कि 200 400 500 जो भी रुपया बनता था सबका, उससे पैसा ले लिया जाता था, अनाज नहीं लिया जाता था। कंप्लीट है। चलिए दो नंबर का देखिए, दो नंबर क्या करा, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। यानी कि ये बात, जो 20 से कम कर्मचारी, अगर कोई उद्योग में 20 से कम कर्मचारी है तो उसको जो है व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति चला सकता है। कंप्लीट है। चलिए तीन नंबर का देखिए आप लोग, कह रहा है यह सिद्धांत जारी रखा गया कि जमीन राज्य का ही है, फिर भी इसे किसान ही प्रयोग में लाएगा। ये सिद्धांत जो है बउआ जारी रखा गया, जो जमीन किसका रहेगा? राज्य का रहेगा। और जमीन राज्य का रहेगा, और जो है जो किसान जो है उस पर खेती कर सकता है। कंप्लीट है। चलिए चार नंबर का रहा, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विकेंद्रीकरण के मतलब ये होता है जो जो दो गो तीन गो उद्योग धंधा था उसको जो है क्या किया, एकत्रित कर दिया, ताकि जो है मजबूत हो जाए ना। मजबूत कहने का मतलब उसका स्थिति जो है मजबूत हो जाए, अब बढ़िया से जो उत्पादन कर सकता है, ठीक है। तो उद्योग का क्या कर दिया? विकेंद्रीकरण कर दिया। कंप्लीट है। आगे देख लेते हैं, करा विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी के मतलब ये हुआ जो जैसे देखिए, जो जैसे मान लीजिए जो कोई व्यक्ति जो है विदेश से पूंजी ला के अपने यहाँ, यानी कि विदेशी कंपनी जो है हमारे यहाँ आके अगर कंपनी जो कंपनी खोलना चाह रहा है, ठीक है, तो इसको जो है सीमित कर दिया गया। मतलब एक नियम के अनुसार ही कर सकता था, या फिर हम जो है विदेश में जाके अपना धंधा कर सकते थे तो वो एक नियम के अनुसार ही कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद अंतिम है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए, ठीक है, यानी कि विभिन्न स्तर पर बैंक खोला गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है यानी कि क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो अपने भाई के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।